हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दें। यस, लाइक करना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम आपको ये नहीं बोलेंगे कि आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। आज आप खुद बताएं आज का वीडियो आपको कैसा लगा। जो मैंने फ्रॉक बनाई है बहुत प्यारी डिज़ाइन है, और साइज़ की बात करें तो हमने 3 से 4 साल की लड़की के लिए बनाई है। फ़िलहाल तो हमने 3 साल की लड़की के लिए बनाई है। अगर आप इसकी लेंथ और बढ़ा लेंगे, लंबाई थोड़ी और बढ़ा लेंगे, तो ये 4 साल की लड़की के भी आराम से आने वाला है। क्योंकि ये जो फिटिंग है ना, वो 3-4 साल की लड़की के लिए। अगर आपको इससे छोटा साइज बनाना है तो इसी वीडियो में आपको आगे बता देंगे, तो आप उसी अकॉर्डिंग छोटा साइज भी बना सकते हैं। तो देखिए, हमने सबसे पहले 100 चेन बनाई हैं, ठीक है। अगर आपको 1 से 2 साल की लड़की के लिए बनाना है तो आप 80 चेन बनाएँ। अब हमने 100 चेन बनाने के बाद देखिए क्या करना है। सबसे पहले हमें चेन को बंद करना है, इसमें डालेंगे और इसको इस तरीके से हम बंद करेंगे। अब देखिए, हम 3 चेन बना के पास वाली चेन में डालेंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो चेन को काउंट किया तो हमारे पास 1 डबल क्रोशिया है। अब 2 हो गई हमारे पास 3, तो हम 14 डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 14 डबल क्रोशिया हमें यहाँ पर बनाना है। 14 डबल क्रोशिया के बाद अब हम कॉर्नर बनाएंगे। तो 15वीं चेन में क्या करेंगे, इस चेन में हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, देखिए 3 बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 चेन लेंगे। देखिए, एक चेन के अंदर हमने 3 बार डबल क्रोशिया बनाया है। 3 चेन लेके सेम इसी जगह हम फिर से 3 बार बनाएंगे। देखिए, 1 वापस इसी जगह डालेंगे, 2 हो जाएंगे हमारे पास, और ये 3। तो हमने एक कॉर्नर बना लिया। अब हम क्या करेंगे, देखिए 14 डबल क्रोशिया के बाद हमने एक कॉर्नर बनाया। अब हम 20 डबल क्रोशिया बनाएंगे, जो कि हमारी बाजू की रहेंगी। बाजू में जो हम बनाएंगे ना, तो 20 डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे हम। बल लेकर दो दो करके फंदे निकालते हैं ना, उसको डबल क्रोशिया कहते हैं। तो हम 20 बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर आगे आपको बताएंगे आगे क्या करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, पहले हमने 14 डबल क्रोशिया बनाया था, फिर एक कॉर्नर बना लिया। यहाँ से 14 बनाया था, फिर एक कॉर्नर बनाया, फिर यहाँ पर हमने 20 डबल क्रोशिया बनाया है। अब फिर से एक कॉर्नर बनाएंगे, तो फिर से हमें एक कॉर्नर बनाना है। तो इस वाली चेन में डालेंगे देखिए, और 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर। सबसे पहले 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए, इसमें 1 बार बना लिया, वापस इसी जगह डाल के बना रहे हैं, 2 हो गए और ये 3। 3 बार बनाने के बाद अब हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, वापस इसी जगह डाल के फिर से 3 बार बनाएंगे। तो 2 कॉर्नर हमने बना लिए हैं, ठीक है, 2 कॉर्नर हो गए। अब फ्रंट साइड में हमने 14 डबल क्रोशिया बनाई थी, तो 14 को जब हम डबल करेंगे तो 28 डबल क्रोशिया हमें बनानी है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, 28 डबल क्रोशिया बनाएंगे। बल लेकर दो दो करके जो फंदे निकाले जाते हैं उसको डबल क्रोशिया कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर डालेंगे, देखिए यहाँ पर हमने 28 डबल क्रोशिया बना लिए यहाँ से लेके यहाँ तक। अब तीसरा कॉर्नर बनाएंगे, तो सेम रिपीट करना है हमें। एक चेन में पहले 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए 1, वापस इसी जगह बनाएंगे, देखिए 3 डबल क्रोशिया के बाद हमें 3 चेन बनानी है। देखिए 3 हो गई, इसके बाद हम फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, सेम इसी जगह 3 बार और बनाएंगे। तो कॉर्नर पर हमें सेम रिपीट करना है। तीसरा कॉर्नर हमारा बन चुका है। अब फिर से हमें बाजू के फंदे बनाने, 20 डबल क्रोशिया बनाना है, फिर एक कॉर्नर बनाना है, ठीक है। 20 के बाद फिर से एक कॉर्नर बनाएंगे, जैसे हमने बाजू पर 20 बनाए थे, पहले हमने 14 बनाए थे, फिर एक कॉर्नर बनाया, फिर 20 बनाई, फिर एक बाजू के लिए हमारे, फिर एक कॉर्नर, फिर हमने
14 को जब डबल किया तो 28 बना लिए, फिर एक कॉर्नर बना लिया। अब फिर से हम 20 बनाएंगे, 20 के बाद फिर एक कॉर्नर बनाएंगे, फिर ये 14 जो डबल क्रोशे हमने बनाई थी इसको बनाएंगे, ठीक है। तो बनाने के बाद दिखाते हैं, देखिए देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पर 14 बनाए थे, 14 डबल क्रोशिया बनाई थी, और यहाँ पर 20 बनाए थे, तो यहाँ पर 20, ठीक है, चार हमारे कॉर्नर हो गए हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद अब देखिए हम तीन चेन बनाएंगे, तीन चेन बनाने के बाद अब इसके पास वाली चेन में डालेंगे, और देखिए डबल क्रोशिया बनाया बट लास्ट का फंदा रहने दिया, फिर इसके पास वाली चेन में डालेंगे, इसमें भी सेम रिपीट करेंगे, तीन फंदों को एक साथ निकालेंगे, ठीक है। अब दो चेन लेकर, एक और ये दो, दो चेन लेकर फिर से देखिए इसके पास वाली चेन में डालेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे बट लास्ट का फंदा रहने देंगे, सेम हम दूसरी वाली चेन में करेंगे। फिर से तीन फंदों का एक करना है हमें, फिर से दो चेन लेनी है हमें, एक और ये दो, फिर से सेम रिपीट करेंगे हम तीन बार। फिर सारे फंदे एक साथ निकालेंगे, फिर से दो चेन लेकर, एक और ये दो, फिर से देखिए इसमें करेंगे। फिर से सारे फंदे एक साथ निकालेंगे, फिर दो चेन लेकर, फिर तीन फंदों में हम रिपीट करेंगे, देखिए एक दो और ये तीन, फिर सारे फंदे हम एक साथ निकालेंगे, और फिर दो चेन लेकर हमने यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच, पाँच बार ये डिज़ाइन बना ली। अब हमारा कॉर्नर आ गया, तो देखिए दो चेन ले ली हमने, और यहाँ पर दो चेन छोड़ेंगे, तीसरी वाली चेन में डालकर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। और इसके अंदर, इस गैप के अंदर बनाएंगे, देखिए स्पेस दिख रहा है, इसके अंदर बनाएंगे, दो हो जाएंगी, और ये लास्ट तीन, तीन डबल क्रोशिया के बाद हमें तीन चेन बनानी है, और वापस इसी जगह पहले दो डबल क्रोशिया बनाएंगे हम, पहले एक डबल क्रोशिया, वापस इसी जगह बनाएंगे, दो हो जाएंगी, और तीसरी वाली हमें इसके ऊपर बनानी है, तीन डबल क्रोशिया हो गई। तीन होने के बाद दो चेन छोड़ेंगे, और दो चेन लेकर हमें, दो चेन लेकर और फिर से हमें रिपीट करना है, देखिए दो चेन छोड़ दी और तीन में डालेंगे हम, और फिर सारे फंदे फिर से एक साथ निकालेंगे इस तरीके से, देखिए फिर से दो चेन लेकर फिर से सेम रिपीट करना है हमें। फंदे फिर से एक साथ निकालने हैं, तो इसी तरीके से हम दूसरे कॉर्नर तक लेकर आएंगे। देखिए तीन का हमें एक करना है, फिर दो चेन लेनी है, फिर तीन का एक करना है, इस तरीके से कॉर्नर पर सेम रिपीट करेंगे हम। अभी आपको दिखाएंगे, यहाँ तक लाने के बाद दिखाते हैं, देखिए यहाँ तक आने के बाद दो चेन लेकर और कॉर्नर की दो चेन छोड़कर हम ये तीसरी वाली इसमें डालेंगे, इसमें डालेंगे, और इसमें डालने के बाद इसको बनाया। अगर यहाँ पर आपकी एक चेन भी बचती है तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप दो चेन लेकर वही लास्ट वाली चेन पे एक बना लें, दो इसके अंदर बना लें, ठीक है। फिर हम तीन चेन लेकर वापस इसी जगह दो बनाएंगे, पहले एक और ये दो, फिर एक इसके ऊपर बनाएंगे, ठीक है। अब फिर से हम दो चेन लेकर एक और ये दो, दो चेन छोड़ेंगे और तीसरे वाले में डालकर यहाँ पर एक एक फंदा लिया, दो और ये तीन, तीन का हमें फिर से एक करना है, इस तरीके से हमारी बाजू पर भी बन गई है डिज़ाइन। तो पूरी रो हमने कंप्लीट कर ली है। अब लास्ट में देखिए हमें इसको ज्वाइन कैसे करना है, दो चेन लेकर डिज़ाइन जो आपको दिखेगी इसके लास्ट में यहाँ पर डालकर हम इसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है। अब देखिए एक चेन लेकर सेम इसी जगह हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, तो एक इसके ऊपर बना लिया हमने, दो इसके अंदर बनाएंगे, फिर एक इस डिज़ाइन के ऊपर हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है,
और दो इसके अंदर बनाना है, एक और ये दो। फिर से देखिए, एक डिज़ाइन के ऊपर बनाएंगे और दो हम इस चेन के अंदर बनाएंगे, एक और ये दो। फिर एक डिज़ाइन के अंदर बनाएंगे, तो इसी तरीके से हम कॉर्नर तक लेकर आएंगे। फिर कॉर्नर पर क्या करना है फिर वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। सिंपल एक डिज़ाइन के अंदर बनाना है और दो चेन के अंदर बनाना है। अब कॉर्नर पे हमारी तीन चेन आपको दिखेंगी, तो तीनों में हम एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और इसको बीच में लेकर आएंगे। देखिए, अब इस वाले स्पेस में हमें तीन बार बनाना है, एक दो और ये तीन। अब तीन चेन आपको यहाँ पर दिखेंगी, तो इन तीनों में हमें एक एक बार बनाना है, एक दो और ये तीन। देखिए, अब फिर से हम दो इसके अंदर बनाएंगे, एक और ये दो। तो इसी तरीके से इस पूरी रो को हमें कंप्लीट करना है। एक डिज़ाइन के ऊपर बनाना है और दो हमें चेन के अंदर बनाना है। कॉर्नर पर अभी हमने बता दिया था, सेम इसी तरीके से इस पूरी रो को कंप्लीट करने के बाद आगे हम आपको दिखाएंगे आगे क्या करना है। तो देखिए, हमने पूरी रो अपनी कंप्लीट कर ली है, चौकोर गला बनकर आएगा, ठीक है। तो दो रो की डिज़ाइन है, एक रो में हमें डिज़ाइन बनानी है, दूसरी रो में हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है, ठीक है। तो एक डिज़ाइन के ऊपर बनाना है, दो हमें चेन के अंदर बनाना है। कॉर्नर पर अभी हमने आपको बताया था, सेम वैसे ही रिपीट करना है। अब हम डिज़ाइन काउंट कर लेंगे। फ्रंट साइड में हमारे पास 10 डिज़ाइन है, फ्रंट और बैक में 10 हैं, बाजू पर हमारे दोनों साइड में 7-7 हैं। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 दोनों साइड में हमारे बाजू में 7-7 डिज़ाइन आई है, और फ्रंट और बैक में हमारे पास 10 डिज़ाइन है, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर से इसको स्टार्ट करेंगे। तो तीन चेन लेकर, देखिए यहाँ पर हमने तीन चेन ले ली, अब फिर से सेम रिपीट करना है हमें। देखिए, तीन फंदों का एक करना है हमें, तीन चेन में डालेंगे और तीन फंदे हो गए, इस सबको एक साथ निकालेंगे। फिर से देखिए, दो चेन बनाएंगे, एक और ये दो। फिर से तीन फंदे लेंगे हम, एक दो लास्ट तीन, और तीन का फिर से एक करेंगे, सारे फंदे एक साथ निकालेंगे। और यहाँ पर दो चेन फिर से लेंगे हम, एक और ये दो। जैसे अभी हमने डिज़ाइन बनाया था सेम वैसे ही हमें बनाना है, सिंपल है। एक रो में हमें ये वाला डिज़ाइन बनाना है, तीन का एक करना है और बीच बीच में दो दो चेन लेनी है। दूसरी रो में हमें डिज़ाइन के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, जो चेन ले रहे हैं इसमें दो बनानी है। कॉर्नर पर हमने बताया था आपको, इसी तरीके से हम कॉर्नर तक लेकर आएंगे। तो देखिए, इसको बनाते हुए हम कॉर्नर तक आ गए हैं। कॉर्नर पर भी हमें तीन का एक करना है। देखिए, यहाँ तक हमने एक डिज़ाइन बना ली है। अब हमारे पास कॉर्नर पर एक डिज़ाइन बच गई है, ठीक है। तो हम एक छोड़ेंगे और यहाँ पर एक छोड़ने के बाद देखिए, बीच में जो हमने एक दो तीन बीच वाले में हम डालेंगे, बीच वाली चेन में डाल के यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाया, वापस इसी जगह डाल के दो हो गई और ये तीन। तीन के बाद फिर से हमें तीन चेन बनानी है, एक दो तीन, वापस इसी जगह तीन बार फिर से बनाएंगे, एक दो और ये लास्ट तीन, ठीक है। अब फिर से हम यहाँ पर दो चेन लेकर और यहाँ एक दो, दो चेन छोड़ के तीसरे वाले में डालेंगे। तो एक हो गया हमारे पास, दो हो गए और ये तीसरी वाली चेन में डालेंगे। तीन फंदों का हमें फिर से एक करना है। तो कॉर्नर पर सेम रिपीट करना है। कॉर्नर पे जो हमने तीन तीन फंदे लिए थे ना, तीन चेन ली थी, उसमें हमें फिर से बनाना है। तो अभी एक दो तीन चार, देखिए स्टार्टिंग में हमारे पास यहाँ पर फ्रंट में फ्रंट और बैक में 10 डिज़ाइन थी, बट अब दूसरी रो जो डिज़ाइन की चल रही है इसमें हमारे पास फ्रंट और बैक में 12 डिज़ाइन हो जाएंगी और बाजू पर 9 डिज़ाइन हो जाएंगी, ठीक है। दिखा दें, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 डिज़ाइन थी, अब दूसरी रो में हमारे पास यहाँ पर 12 डिज़ाइन हो जाएंगी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 डिज़ाइन इधर है और 6 इधर हो जाएंगी, तो 12 हो जाएंगी दोनों साइड में। और बाजू पर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7
सात डिज़ाइन है। अब इस रो में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 डिज़ाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको डिज़ाइन काउंट कर लेना है कि डिज़ाइन हमारी पूरी पूरी आए। अगर आपकी एक दो चेन कम बढ़ हो रही हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप उसको एडजस्ट कर दें। अब फिर से हमारा कॉर्नर आ गया, तो दो चेन छोड़ के ये बीच वाली चेन में डालकर हम 3 बार बनाएंगे। पहले यहाँ पर आपकी एक ही चेन बचे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको बीच वाली चेन में 3 डबल क्रोशिया बनाना है। फिर 3 चेन लेकर सेम उसी जगह फिर से 3 बार बनाना है, ठीक है। तो आप एक दो चेन अगर कम्बड़ हो जाएँ तो उसको एडजस्ट कर दें, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। अब इस रो को हम ऐसे ही कम्प्लीट करेंगे, इसके अगली रो में हमें आगे आपको दिखाते हैं। इसी तरीके से बनाना है, 3 का 1 करना है हमें। तो पूरी रो कंप्लीट कर ली है। अब देखिए 2 रो डिज़ाइन की हमारी बन गई है। और फिर से हम देखिए 1 चेन लेकर और सेम इसी जगह डिज़ाइन के ऊपर 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक हमें डिज़ाइन के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाना है, 2 चेन के अंदर बनाना है, ठीक है। ये 2 चेन के अंदर बनाएंगे हम, यहाँ पर 1 और 2, फिर 1 डिज़ाइन के ऊपर बनाएंगे हम, 2 हो गई, 1 डिज़ाइन के ऊपर बनाएंगे यहाँ पर। और फिर से 2 इसके ऊपर बनाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से कॉर्नर तक लेकर जाएंगे हम। तो देखिए इसको हम लेकर आएंगे, कॉर्नर तक लेकर आएंगे। कॉर्नर पे हमें 3 चेन दिखेंगे, तो तीनों में हमें एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। और जो बीच में स्पेस दिखेगा इसके अंदर भी हम 3 बार बनाएंगे यहाँ पर, 1 2 और 3। फिर से देखिए 3 फंदे फिर से दिखेंगे, तीनों पर हमें एक एक बार बनाना है। इसी तरीके से अभी हमारी डिज़ाइन की दूसरी रो चल रही है। हम टोटल 4 रो के बाद बताएंगे आगे आपको क्या करना है, ठीक है। देखिए अब हम इसको बंद करेंगे, ठीक है। तो जब हम यहाँ से इसको नापेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास 4 इंच के मुड्ढे हो गए हैं और 4 डिज़ाइन हमने बनाई है। अगर आपको इससे बड़े मुड्ढे रखने हैं तो आप क्या करें, अगर आपको लगे ये वाला पोर्शन बढ़ रहा है तो आप और आपको ये वाला मुड्ढे बढ़ाने हैं सिर्फ, तो आप क्या करें यहाँ से लेके यहाँ तक बुने, 2-3 रो बना लें और सेम ऐसे ही बैक साइड पे बना लें, 2-3 रो बना लें यहाँ से लेके यहाँ तक, बाजू पर ना बढ़ाएं आप फंदे, उसके बाद आप मुड्ढे ज्वाइन करें, ठीक है। तो फ़िलहाल तो हमारे मुड्ढे इतने ठीक हैं, तो अब हम इसको बंद करेंगे और हमारी जो है सिंगल क्रोशिया की रो चलेगी। तो इसमें हम देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमने यहाँ पर इसको ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद देखिए 1 चेन लेकर सेम इसी जगह हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया इसके ऊपर बनाना है, 2 हमें इसके अंदर बनाना है चेन के अंदर, 1 और 2। फिर से 1 हम इसके ऊपर बनाएंगे, देखिए 1 इसके ऊपर बनाएंगे और 2 चेन के अंदर बनाएंगे, 1 और 2। फिर से 1 इसके ऊपर बनाएंगे और 2 चेन के अंदर बनाएंगे, 1 और 2। तो हम कॉर्नर तक ऐसे ही बनाते हुए लेकर जाएंगे इसको। यहाँ तक लाने के बाद दिखाते हैं, देखिए यहाँ तक हम आ गए हैं। तो कॉर्नर पे 3 चेन आपको दिखेंगे, तीनों में हमें एक एक बार बनाना है। अब इसमें बीच में डालकर भी हम एक बार बना लेंगे यहाँ पर। अब दूसरे वाले कॉर्नर को पकड़ेंगे, देखिए इन दोनों को हमें ज्वाइन करना है, तो इसको इस तरीके से पकड़ेंगे, इसके अंदर हम बीच में एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और तो हमारा एक मुड्ढा ज्वाइन हो गया है इस तरीके से। अब 3 इसके ऊपर बनाएंगे हम, 1 2 और 3, क्योंकि 3 चेन दिखी इसलिए। अब यहाँ पर 2 चेन है, इसमें 2 बना लिया हमने, 1 डिज़ाइन के ऊपर बना लिया, फिर 2 इसके अंदर बनाएंगे, 1 और 2, फिर 1 डिज़ाइन के ऊपर बनाएंगे। जैसे हमने वाला मुट्ठा ज्वाइन किया है सेम ऐसे ही हम दूसरा वाला ज्वाइन करेंगे, 1 डिज़ाइन के ऊपर बनाना है, 2 इसके अंदर बनाना है, 1 डिज़ाइन के ऊपर बनाना है, ऐसे ही बनाते हुए इसको ज्वाइन करेंगे यहाँ पर लाकर, फिर आगे आपको दिखाते हैं। तो इसको बनाते हुए पूरा हमने कम्प्लीट कर लिया है, हमारा दोनों मुट्ठे ज्वाइन हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, इसकी लेंथ बढ़ानी है।
तो अभी हमारे पास चार वाले डिज़ाइन हैं, अभी हम दो तीन बार और डिज़ाइन बनाएंगे। तो सेम तरीके से बनाना है, तीन का हमें एक करना है। देखिए तीन चेन लेकर इसके पास वाली चेन में डालेंगे, और देखिए इसमें इसके पास वाली चेन में डालेंगे, तीनों को एक साथ निकालेंगे, फिर दो चेन लेकर सेम इस वाले में डालेंगे, इसके पास वाली चेन में डालेंगे। फिर से हम तीन का एक करेंगे, देखिए यहाँ पर, और फिर से दो चेन लेकर एक और ये दो, फिर से रिपीट करेंगे हम। तो इसी तरीके से हमें बनाना है, सिंपल है। तीन का हमें एक करना है, दो चेन लेनी है, ठीक है। फिर से देखिए, तो इसको हमें यहाँ तक लेकर आएंगे, यहाँ तक बनाते हुए लेकर आएंगे, फिर दिखाते हैं। तो हमने यहाँ तक देखिए बना लिया है, यहाँ से स्टार्ट किया था और हमने देखिए यहाँ तक बना लिया है। अब बनाने के बाद अब देखिए बीच में हमें दो चेन छोड़नी है, एक और ये दो, दो चेन छोड़कर और दो चेन हमने ले रखी है, तीसरी वाली चेन में डाल के फिर से इसको बनाएंगे। देखिए फिर से देखिए तीन का हमें एक करना है, और फिर दो चेन लेकर एक और ये दो, फिर से देखिए रिपीट करेंगे हम। फिर से दो चेन लेकर और फिर से हमें बनाना है। तो हमारे पास जो है टोटल डिज़ाइन 18 डिज़ाइन फ्रंट साइड में है, 18 बैक साइड में है। तो हम 18 डिज़ाइन बनाएंगे, हमें कोई भी डिज़ाइन बढ़ानी नहीं है। तो देखिए हमारे पास 18 डिज़ाइन फ्रंट साइड में है और 18 डिज़ाइन हमारे पास बैक साइड में है, ठीक है। तो इतना हमने बना लिया है। अब कॉर्नर पर हम फिर से आ गए हैं, तो दो चेन छोड़ेंगे, पहले दो चेन लेकर और दो चेन छोड़ेंगे, एक और ये दो, फिर से सेम बनाएंगे हम इस तरीके से, एक दो और ये तीन, तीन का फिर से हम एक करेंगे, फिर दो चेन लेकर एक दो फिर से बनाएंगे। इसको हमने इस तरीके से बनाते हुए पूरा कंप्लीट कर लिया है। एक रो हमने बना ली है, दो रो और हमें डिज़ाइन की बनानी है। तो 18 डिज़ाइन हमारे पास फ्रंट साइड में है, ठीक है, और 18 हमारे पास बैक साइड में है। यहाँ पर हमें फंदा बढ़ाना नहीं है, एक बराबर रखना है। अब इसके अगली रो में हमें सिंगल क्रोशिया की बनानी है, फिर एक डिज़ाइन बनानी है। तो दो बार और डिज़ाइन बनाने के बाद फिर दिखाते हैं। तो देखिए हमें एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात बार डिज़ाइन बनाकर इतनी लेंथ चोली की कर ली है। अब नीचे का हम घेरा बनाएंगे, तो येलो कलर की उनको ज्वाइन करेंगे, किसी भी जगह हम उनको ज्वाइन कर लेंगे। और ज्वाइन करने के बाद देखिए हमें क्या करना है, जितने हमारे पास फंदे हैं उतने ही हमें रखने हैं। तो एक डिज़ाइन के ऊपर हमें डबल क्रोशिया बनाना है, दो चेन के अंदर बनाना है, फिर एक डिज़ाइन के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर, और फिर दो हम इस चेन के अंदर बनाएंगे, एक और ये दो, फिर एक हम डिज़ाइन के ऊपर बनाएंगे, फिर दो हम इसके ऊपर बनाएंगे। देखिए तो जितनी हमारे पास चेन है उतनी चेन रखनी है, उसके बाद हम आगे आपको दिखाएंगे आगे क्या करना है। तो पूरी रो हमने कंप्लीट कर ली है, अब हम डिज़ाइन डालेंगे। डिज़ाइन के लिए हमें क्या करना है, तीन चेन लेकर सॉरी सात चेन बनाएंगे हम। सात चेन बनाने के बाद सेम इसी जगह हम तीन बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक वापस इसी जगह डालेंगे, दो हो जाएंगे देखिए हमारे पास, और ये लास्ट तीन, तीन बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब हम दो चेन बनाएंगे यहाँ पर, एक और ये दो, दो चेन बनाने के बाद फिर देखिए हम यहाँ पर पांच चेन छोड़ेंगे, छठी वाली चेन में डालकर एक बनाया, एक दो तीन,
तीन चेन लेके वापस इसी जगह डाल के फिर एक बनाएंगे। अब देखिए फिर से हम दो चेन लेकर और यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच, पाँच चेन छोड़ेंगे, छठी वाले चेन में पहले हम तीन बार बनाएंगे, एक वापस इसी जगह डाला, दो और ये लास्ट तीन। तीन बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद तीन चेन बनाएंगे यहाँ पर, एक दो तीन, और सेम जगह डाल के फिर से हम बनाएंगे एक दो और ये लास्ट तीन। ठीक है, इस तरीके से हमें बनाना है। फिर से दो चेन बनाएंगे हम, एक और ये दो, फिर एक दो तीन चार पाँच, पाँच चेन छोड़ के छठी वाली चेन में फिर से हम बनाएंगे एक एक दो तीन, वापस इसी जगह। इस तरीके से हमें पांच पांच चेन छोड़नी है, छठी चेन में हमें बनाना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पूरी रो कंप्लीट कर ली है पांच पांच चेन बनाने के बाद, और हम बनाते गए हैं। और यहाँ पर हमने फिर से दो चेन ले ली, और यहाँ पर जो हमने चेन बनाई है इसमें हम दो बार बनाएंगे, देखिए एक और वापस इसी जगह डाल के बनाएंगे, दो हो जाएंगे हमारे पास। और फिर हमने जो सात चेन बनाई थी इसकी तीसरी वाली चेन में इसको ज्वाइन करना है। ठीक है, अब हम इसको बीच में लेकर आएंगे और यहाँ से हम चेन बनाएंगे, देखिए बीच में लेकर आएंगे और यहाँ से चेन बनाएंगे, एक दो तीन, तीन चेन बना के सेम इसी जगह हम एक डबल क्रोशिया बना लिया हमने। अब एक दो तीन, तीन चेन लेकर अब जो ये वाला स्पेस दिखेगा इसमें पहले हम तीन बार बनाएंगे, एक दो और ये तीन, तीन चेन बना के देखिए दो चेन लेकर वापस इसी जगह एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर दो चेन लेकर वापस इसी जगह डाल के एक दो और ये लास्ट तीन, तीन बार फिर से हमने बना लिया। ठीक है, अब फिर से हम तीन चेन बनाएंगे, एक दो तीन, अब इस जगह हम दो बार बनाएंगे, एक वापस इसी जगह डालेंगे और ये दो, फिर से हम तीन चेन बना के और फिर से देखिए हम तीन चेन बनाएंगे यहाँ पर, तीन चेन बनाने के बाद इस जगह डालेंगे, यहाँ पर पहले तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो और ये तीन, तीन बनाने के बाद दो चेन बनाएंगे, एक और ये दो, वापस इसी जगह बनाएंगे, एक फिर दो चेन और फिर तीन डबल क्रोशिया और ये तीन। ठीक है, अब फिर से तीन चेन बनाएंगे, एक दो तीन, अब इसमें हम दो बार बनाएंगे, फिर तीन चेन लेकर इसको पूरा हमने कंप्लीट कर लिया है। अब फिर से एक दो तीन, तीन चेन लेकर यहाँ पर डालेंगे और एक और ये दो डबल क्रोशिया हो गई हमारे पास। अब एक और ये दो, दो चेन लेकर अब जो हमने तीन डबल क्रोशिया बनाई थी यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, फर्स्ट वाले में हम दो बनाएंगे, एक और ये दो, बीच वाले में एक बनाएंगे तो तीन हो गई हमारे पास, और तीसरे वाले में दो बनाएंगे तो पाँच हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर डालेंगे चार और इसी में एक बार और बनाएंगे तो पाँच डबल क्रोशिया हो गई हमारे पास। ठीक है, दोनों साइड से एक एक फंदा हमने बढ़ा लिया, एक दो, दो चेन लेके इसमें हम दो बार बनाएंगे, एक और ये दो, दो चेन लेकर अब तीन है तो फर्स्ट वाले में दो बनाएंगे, एक और ये दो, इसमें बनाएंगे तीन हो जाएंगे हमारे पास, चार और ये पाँच। ठीक है, दोनों साइड से हमने फंदा बढ़ा लिया, पांच पांच डबल क्रोशिया हो गई हमारे पास। फिर एक दो, दो चेन लेके इसमें हम बनाएंगे, यहाँ पर दो डबल क्रोशिया है, यहाँ पर हमें कोई चेंज नहीं करना है, हर रो में हमें दो दो बार बनाना है। ठीक है, फिर से दो चेन लेकर सेम इसमें रिपीट करेंगे हम, स्टार्टिंग वाले में दो बनाएंगे, एक और ये दो, इसमें बनाएंगे तो तीन हो जाएंगे हमारे पास, चार, सेम इसी जगह एक बार और बनाएंगे तो पाँच हो गई। ठीक है, पहले तीन थी, अब हमारे पास पाँच डबल क्रोशिया हो गई हैं।
दो चेन लेकर बीच वाले में हमें दो बार बनाना है, एक और लास्ट दो। दो चेन लेकर फिर से हमारे पास तीन डबल क्रोशिया हैं, यहाँ पर हम पांच बनाएंगे, एक दो तीन चार और ये लास्ट पांच। तो इसी तरीके से पूरी रो को हम कंप्लीट करेंगे, फिर आगे आपको दिखाएंगे आगे क्या करना है। ठीक है, सिंपल है। दो चेन लेकर यहाँ पर हमें कोई चेंज नहीं करना है, दो डबल क्रोशिया बनाना है, जो जो हमने तीन डबल क्रोशिया बनाई थी वहाँ पर फंदा बढ़ाना है। तो पूरी रो हमने कंप्लीट कर ली है। अब देखिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर तीन चेन लेकर वापस इसी जगह हम इसके पास वाली चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो जैसा कि हमने बोला यहाँ पर कोई चेंज नहीं करना है, तो दो डबल क्रोशिया के बाद दो चेन ले ली। अब हमने यहाँ पर पांच डबल क्रोशिया बनाई थी, तो पांच ही बनाएंगे हम। दो हो गई, तीन चार और ये लास्ट पांच। पांच डबल क्रोशिया के बाद दो चेन बनानी है हमें। देखिए पांच हो गई, अब एक दो तीन चेन बना लेंगे हम और इसमें बीच में डालेंगे। यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बना लिया, फिर से तीन चेन और सेम इसी जगह फिर एक डबल क्रोशिया। ठीक है, अब फिर से एक दो तीन, तीन चेन और यहाँ पर पांच हैं तो पांच बनाएंगे, एक दो तीन चार और ये लास्ट वन पांच। पांच बार बना लिया, फिर से हम देखिए इस तरीके से हमने बना लिया है। देखिए एक दो, दो चेन लेकर यहाँ पर कोई चेंज नहीं करना है, दो डबल क्रोशिया बनाना है, एक और इसके पास वाली चेन में बनाएंगे दो। ठीक है, फिर दो चेन बना के जैसे अभी हमने वाला बनाया था सेम वैसा ही हमें दो चेन लेकर यहाँ पर पांच डबल क्रोशिया है, तो एक एक हो गई, दो तीन चार और ये लास्ट पांच। पांच बार बनाने के बाद देखिए पांच हो गई, तीन चेन इसके अंदर डालेंगे एक डबल क्रोशिया, तीन चेन वापस इसी जगह डाल के एक बार और बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से फिर से हम तीन चेन बनाएंगे और यहाँ पर पांच हैं तो पांच बना लेंगे। इसी तरीके से पत्तियों को हमें पूरा कंप्लीट करना है। फिर इसके अगली रो में हम आपको दिखाएंगे। देखिए अब फिर से हमने तीन चेन लेके और यहाँ पर बना लिया, फिर हम एक और ये दो, दो चेन लेकर अब हमें यहाँ पर फंदा कम करना है। जैसे स्टार्टिंग में हमारे पास तीन थे तो हम साइड से एक फंदे को छोड़ेंगे और देखिए एक बनाया, इसके पास वाली चेन में बनाएंगे दो हो गए हमारे पास और ये तीन, तीन डबल क्रोशिया बना लिया हमने। अब हम एक दो तीन, तीन चेन लेके इसके अंदर पहले तीन बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो और ये तीन। जैसे हमने स्टार्टिंग में बनाया था तीन डबल क्रोशिया, फिर एक दो चेन और फिर एक डबल क्रोशिया, फिर दो चेन एक दो, वापस इसी जगह तीन बार बनाएंगे, एक लास्ट तीन। ठीक है, इस तरीके से जैसे स्टार्टिंग में हमने स्टार्ट किया था ना सेम वैसे ही बनाना है। फिर से हम एक दो तीन, तीन चेन लेकर यहाँ पर फंदे कम करेंगे और इसमें एक फंदा छोड़ा दूसरे वाले में डाल के एक बना लिया, दो और ये तीन। तीन बनाने के बाद दोनों साइड से हमने एक एक छोड़ दिया है। अब फिर से तीन चेन लेकर तीन चेन लेकर यहाँ पर बनाएंगे एक और ये दो। ठीक है, फिर से तीन चेन बनाएंगे हम। देखिए यहाँ पर हम आपको समझा लें, अब इसके अगली रो में हमारे पास यहाँ पर एक डबल क्रोशिया हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पांच डबल क्रोशिया, तीन चेन और इसके ऊपर दो डबल क्रोशिया, फिर तीन चेन फिर पांच। जैसे हमने स्टार्ट किया था अभी स्टार्टिंग में
वाला बनाया था, सेम ऐसा ही हमारा बनेगा। यहाँ के हमारे फंदे कम होंगे और ये वाले फंदे हमारे बढ़ते जाएंगे। ये वाली डिज़ाइन यहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है। जब आप लोग बनाना स्टार्ट करेंगे तो समझ आ जाएगा। तो ये वाली डिज़ाइन हमारी बंद हो जाएगी, साइड वाली पत्तियाँ बंद होंगी और बीच से फिर से स्टार्ट हो जाएंगी। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमारी पत्तियाँ यहाँ पर 5 थी, फिर अगली रो में 5 थी, फिर हमने 3 कर ली, फिर 1 कर ली, ठीक है। 1 करने के बाद हमने अभी तक हम 3 3 चैन ले रहे थे, 1 करने के बाद हमने यहाँ पर 4 चैन बना के और ये वाली पत्ती पूरी करी है। तो जब आप लोग इतना बना लेंगे तो आपकी समझ आ जाएगा। तो पूरा बनाने के बाद हमने ये वाली पत्ती बंद करनी है और हमें बीच से स्टार्ट करनी है। सिंपल है, जब आप लोग बनाना स्टार्ट करेंगे तो समझ आ जाएगा। इसके बाद देखिए अब हमें क्या करना है। हमने इसकी इतनी लंबाई बनाई है, आप चाहें तो और भी लंबाई इसकी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो इस पूरी फ्रॉक में आपकी समथिंग 200 ग्राम ऊन लग जाएगी। समथिंग आपकी जो येलो वाली ऊन है वो 120 ग्राम लगेगी या फिर 130 ग्राम भी लग सकती है। वाइट वाली आपकी 80 ग्राम समथिंग लग जाएगी या 70 ग्राम लग जाएगी। अब हमने लेस बना रखी है, इसका वीडियो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं अपने नए वाले चैनल ऑल फैशन टिप्स पर। नहीं देखा है तो जाके देखें, या फिर हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे देंगे, तो वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में भी हमने लेस दे दी है। तो इसको लेस को अटैच कर लिया हमने, बीच में डोरी डाल दी है ताकि अगर आपको ढीली लगे फ्रॉक तो आप डोरी को जो है टाइट कर लें। तो ये बहुत प्यारी सी फ्रॉक बन गई है। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं आपको मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, और हाँ, फेसबुक पर फॉलो जरूर करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाय।